हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज जो प्रोडक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है एक वीडियो डोर फोन। दोस्तों, वीडियो डोर फोन या जिसे आप वीडीपी भी बोलते हैं, वो आमतौर पर दो तरीके का आता है। एक होता है आईपी बेस्ड और दूसरा होता है एनालॉग। आज हम जिस वीडियो डोर फोन का रिव्यू और इंस्टॉलेशन आपको दिखाने वाले हैं, वो एक एनालॉग डोर फोन होने वाला है और आने वाला है हिकविजन ब्रांड की तरफ से। तो आइए देखते हैं कि कैसा है ये वीडीपी, किन फीचर्स के साथ आता है और कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, ये जो इंस्टॉलेशन है ये सीधे क्लाइंट साइट पर होने वाला है, तो पूरे वीडियो में बने रहें और कोई भी पार्ट स्किप ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते तो हैं पर सिर्फ 1% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में जो इसमें हमें मिल जाते हैं। सबसे पहला फीचर जो इसमें हमें मिलता है वो है टू वे इंटरकॉम का। इस वीडीपी का यूज़ करके आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि आपके गेट पर अगर कोई खड़ा हुआ है तो आप उससे इजीली बात कर सकते हैं। आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, यानी कि डोर पर जो भी पर्सन खड़ा हुआ है उसको आप अपने जो डिस्प्ले स्क्रीन है उस पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप अगर एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक यूज़ कर रहे हैं अपने डोर के साथ तो उसको आप यहाँ से अनलॉक भी कर सकते हैं। आप बात करते करते अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन है जिसके लिए आपको डोर ओपन करना है तो उसको आप अनलॉक भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो कैमरा हमें मिलता है वो भी नाइट विजन के साथ मिलता है, यानी कि अगर दिन है तब भी ठीक है और रात है तब भी ये आपके लिए काम करेगा। आपको जो सामने पर्सन खड़ा हुआ है डोर पर उसकी जो इमेज है उसको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इंस्टॉलेशन भी इसका काफी आसान है और भी कुछ एडिशनल फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं आगे चलकर वीडियो में। तो आइए जल्दी से हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। आइए चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको मिल जाता है एक डिस्प्ले यूनिट जिस पर आप डोर पर खड़े हुए पर्सन का वीडियो देख सकते हैं। ये एक 800x600 रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले होने वाला है। यहाँ पर आपको कुछ बटन्स भी दिए गए हैं कॉल को पिक करने के लिए और डोर को अनलॉक करने के लिए। एक एडिशनल फीचर आपको इस डिस्प्ले यूनिट में और भी मिल जाता है कि इसके साथ आप एक नॉर्मल एनालॉग कैमरा अटैच कर सकते हैं। बट याद रहे, ये एक नॉर्मल नॉन HD एनालॉग कैमरा होने वाला है, HD नहीं। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर डोर पर खड़े हुए पर्सन का फोटो लेना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली ले सकते हैं, उसका बटन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको एक वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए रोलर भी मिल जाता है जिसका यूज करके आप डिस्प्ले पर रिंग या वीडियो का जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पीछे की साइड में आपको एक पूरा पैनल मिल जाता है जिसका यूज करके आप इसको कनेक्ट करते हैं। इसी पैनल पर आपको पावर देनी होती है, एनालॉग कैमरा और डोर पर लगने वाले आईपीस को भी कनेक्ट करना होता है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर मॉडल की बात करें तो इसमें आप अप टू 3 आईपीस को कनेक्ट कर सकते हैं, बट इसके साथ जो है वो एक ही आईपीस आपको मिलता है। तो अगर आपको बाकी दो आईपीस भी यूज करने हैं या एनालॉग कैमरा भी यूज करना है तो आपको सेपरेटली परचेस करना होता है। यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स मिल जाते हैं वॉल के साथ माउंट करने के लिए और साथ ही साथ यहाँ पर मिल जाती है आपको स्पीकर की ग्रिल। तो दोस्तों, यही सब मिलता है इस डिस्प्ले यूनिट में हमें। इसके बाद आपको यहाँ पर एक आईपीएस यूनिट मिलता है जो डोर पर इंस्टॉल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस आईपीएस यूनिट पर आपको रिंग करने के लिए एक बटन मिल जाता है, इसके नीचे स्पीकर ग्रिल दिया गया है। ऊपर की साइड में आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको एक माइक मिल जाता है और उसके जस्ट नीचे ही आपको एक पिन होल कैमरा मिल जाता है जो कि 720 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ वाइड एंगल में आपको मिलता है। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको दो कनेक्टर्स के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं, एक डिस्प्ले यूनिट के साथ कनेक्ट करने के लिए और दूसरा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक यूज करने वाले हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एक कनेक्टर मिलता है। डिस्प्ले यूनिट की तरह ही यहाँ पर भी आपको चारों तरफ ब्रैकेट्स मिल जाते हैं और इन ब्रैकेट्स का यूज करके आप इसको वॉल के साथ माउंट कर सकते हैं। इस आईपीएस यूनिट के अलावा यहाँ पर हमको मिलता है एक अडप्टर जो कि 12 वोल्ट और 1.5 एम्पियर का हमको मिलता है। ये अडप्टर यूज किया जाता है आपकी वीडीपी यूनिट को पावर सप्लाई देने के लिए। इस अडप्टर को हम कनेक्ट करते हैं डिस्प्ले यूनिट से और उसी डिस्प्ले यूनिट से सप्लाई हमारे आईपीएस में भी आती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ केबल्स और कनेक्टर्स मिल जाते हैं जिसमें आपको वीडीपी और आईपीएस को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको एक बीएनसी कनेक्टर मिल जाता है जिसका यूज करके आप एनालॉग कैमरा अटैच कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको एक डीसी पिन भी मिल जाती है पावर सप्लाई देने के लिए वीडीपी को। इन केबल्स का यूज करके हम अपना जो वीडीपी है उसको इंस्टॉल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाती है कुछ बुकलेट्स जिसमें डॉक्यूमेंटेशन की गई है यूजर गाइड के बारे में, क्विक इंस्टॉलेशन के बारे में और साथ ही साथ वारंटी के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ आपको यहाँ पर मिल जाए एक ब्रैकेट जिसका यूज करके आप अपना जो डिस्प्ले यूनिट है उसको माउंट करते हैं वॉल के साथ। साथ ही साथ एक प्लास्टिक का ब्रैकेट आपको और मिलता है जिसका यूज करके आप अपने आईपीस को माउंट करते हैं। ब्रैकेट्स के अलावा यहाँ पर आपको एक मिल जाती है केबल जिसका यूज करके आप अपना जो डिस्प्ले यूनिट है और जो आईपीस है उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो केबल है ये अराउंड 10 मीटर की आपको मिलती है। अगर आपके जो केबलिंग है इससे ज्यादा की आपको चाहिए तो आप एक कस्टम मेड केबल भी यूज कर सकते हैं। इस काम के लिए आप जो नॉर्मल सीसीटीवी केबल होती है उसका भी यूज इजीली कर सकते हैं। अगर आप कस्टम केबल का यूज करना चाहते हैं वीडीपी के डिस्प्ले यूनिट को और आईपीएस को कनेक्ट करने के लिए तो उस केस में आप जो मशीन के साथ आए हुए कनेक्टर्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है।
आइए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली आप इस मशीन को इंस्टॉल करेंगे अपनी साइट पर और किस तरीके से हम कस्टम केबल को इसमें सेटअप करेंगे। आइए चलते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपनी साइट पर। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर VDP सेटअप करना है। VDP का जो आईपीस है वो हम पहले यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं। VDP के आईपीस को कनेक्ट करने के लिए डिस्प्ले यूनिट से हमने यहाँ पर कस्टम वायरिंग का यूज़ किया है और यहाँ पर हमने CCTV वाला जो वायर होता है वो यूज़ किया है। उनमें एक येलो कलर में होती है, एक रेड कलर में, एक ब्लैक कलर में और एक ब्लू कलर में। बेसिकली आपका जो येलो कलर है और जो रेड कलर है वो पावर के लिए यूज़ किया जाता है और जो आपका ब्लू कलर है और ब्लैक कलर है वो आपका यूज़ किया जाएगा सिग्नल्स के लिए। ये अलग अलग VDP में अलग अलग भी हो सकता है, तो एक बार आप चेक कर लें कि आपके VDP में कलर कोड किस तरीके का है, उसके अकॉर्डिंग आप वायरिंग कर सकते हैं। अभी हमने कनेक्टर के रेड वायर को अपना जो CCTV है उसके रेड वायर से, इसी तरीके से येलो कलर वाले वायर को येलो कलर से और जो ब्लू कलर है उसे कॉपर वायर जो होता है सिग्नल वाला उससे, प्लस जो ब्लैक कलर है उसे ग्राउंड वायर यानी कि जो जाली होती है उससे कनेक्ट कर लिया है। वायर्स को कनेक्ट करने के बाद हमने उस पर अच्छे से टेपिंग कर लिया है और साथ ही साथ अपना जो ब्रैकेट है प्लास्टिक का जिसमें हमारा आईपीस कनेक्ट होगा उसको भी हमने वॉल पर फिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं हम उसको फिक्स कर रहे हैं और इसके बाद कनेक्टर को हम पीछे से निकाल कर अपना जो ब्रैकेट है उसमें से कनेक्ट करेंगे अपने आईपीस से और जो बाकी सारी वायरिंग है उसको हम अंदर कर देंगे जिससे सब कुछ हाइड हो जाए। वायरिंग के बाद अब हम अपना जो आईपीस है उसमें कनेक्टर को कनेक्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ उसे सेटल कर देते हैं उसके ब्रैकेट के अंदर। नीचे से उसके स्क्रू होगा जिसको हम फिक्स कर देंगे सो दैट हमारा जो आईपीस है वो फिक्स हो जाए अच्छे तरीके से और बाकी जो हमारी वायरिंग है उसको भी हम कम्प्लीटली क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा जो आईपीस है वो प्रॉपर तरीके से सेटअप हो चुका है, सारी वायरिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं दूसरी साइड में जहाँ पर हमें अपना डिस्प्ले यूनिट सेटअप करना है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं दूसरे छोर पर। हमारा जो VDP का डिस्प्ले यूनिट है वो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। यहाँ पर हमारा वही CCTV वायर आ रहा है जो आईपीस से कनेक्टेड था। अब उसी CCTV वायर में हम सेम उसी तरीके से यहाँ पर कनेक्टर कनेक्ट कर लेंगे। येलो वायर को हम येलो से कनेक्ट कर लेंगे, रेड वायर को रेड से, ब्लू वायर को अपना जो कॉपर वायर है उससे और साथ ही जो नेट वाला वायर है या जो अर्थिंग वाला वायर है उससे हम कनेक्ट करने वाले हैं अपने ब्लैक वाले वायर को। दोस्तों वायरिंग करने के बाद अब हम अपना जो कनेक्टर है उसको अपने डिस्प्ले के बैक पैनल पर कनेक्ट करेंगे और साथ ही साथ VDP के साथ आए हुए DC कनेक्टर को भी बैक पैनल पर कनेक्ट कर लेंगे। जैसा हमने आपको पहले बताया था डिस्प्ले का जो बैक पैनल है उसमें आप अप टू 3 आईपीसीस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो तीनों के लिए आपको कनेक्टर्स के लिए ऑप्शन दिया गया होगा, स्लॉट दिया गया होगा, उन तीनों में से किसी पर भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप एक ही आईपीस कनेक्ट कर रहे हैं तो उसे फर्स्ट वाले पर कनेक्ट करें क्योंकि बाय डिफॉल्ट वही चलेगा। अगर आप किसी और पर कनेक्ट करते हैं तो आपको 1, 2, 3 जो बटन दिए गए हैं उनमें से आपको उसी के अकॉर्डिंग को चुनना होगा, तो बेटर ये है कि आप पहले पर ही कनेक्ट करें जिससे पहले बटन से ही आप कॉल को पिक कर पाए। इसके बाद दोस्तों हमने अपना जो ब्रैकेट है उसको भी वॉल पर सेटअप कर लिया है और वायरिंग को सही तरीके से टेपिंग करने के बाद, पूरी तरीके से फिक्स करने के बाद हम अपना जो मशीन है, हमारा जो डिस्प्ले यूनिट है उसको हम कनेक्ट कर देंगे एडाप्टर से और फिर उसे पावर ऑन। पावर ऑन करने के बाद आइए देखते हैं कि क्या डिस्प्ले आ रहा है या नहीं। ये हमने स्विच ऑन किया और आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट क्लास डिस्प्ले आ चुका है। हमारा जो VDP है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है और जो आईपीस है उसके सामने जो भी पर्सन खड़ा हुआ है उसका जो इमेज है वो हमें प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। आइए अब आईपीस की तरफ चलते हैं और देखते रहे वहाँ पर पावर आ गई है और रिंग बज रही है या नहीं, सारी चीज़ें एक बार टेस्ट कर लेते हैं। वैसे तो सब वर्किंग में है बिकॉज हम इसको चला कर देख चुके हैं और डिस्प्ले आ रहा है, बट फिर भी एक बार अपनी तरफ से चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप रिंग बटन को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट आ चुकी है, इसका मतलब इसमें पावर आ चुकी है। अब हम इसको प्रेस करके देखते हैं और देखते हैं कि रिंग जा रही है या नहीं। तो अब दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो VDP है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। आप देख सकते हैं रिंग आ रही है और किसी ने नीचे से बेल प्रेस की है। अब मैं यहाँ से इसको पिकअप कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके का डिस्प्ले आ रहा है और आवाज़ भी आप चेक कर सकते हैं। आवाज़ आ रही है? हाँ, तो ठीक चल रहा है, मेरे ख्याल से फिट कर दिया जाए प्रॉपर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा VDP जो है वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो हमें ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताएं और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको उसका जवाब देने का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट इस तरीके की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक लगातार पहुँचती रहे। दोस्तों अगर ये VDP आप परचेस करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसको परचेस भी कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।